नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने 2000 के नोट सर्कुलेशन से बंद करने पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 2000 के नोट कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बांटे थे, लोगों ने नोट ले लिए और वोट नहीं दिए। इसीलिए जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए उनको टॉर्चर करने की ये एक प्रक्रिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बताएं, जब बंद ही करना था तो 2000 के नोट क्यों जारी किए? पीएम मोदी जनता को डरा कर रखना चाहते हैं। पहले नोटबंदी में आम जनता की मौतें हुई, भाजपा नेताओं ने नोटबंदी में काले धन को सफेद किया।